एपीएमसी के सिलेबस को आराम से सुकून से जो है वो पढ़े, ठीक है। अब देखिए बेटा, जो फर्स्ट चैप्टर अपना पीएमसी सिलेबस के अंदर दिया हुआ है वो है चैप्टर 3, जिसके अंदर आपने पढ़ना है मोशन के बारे में, ठीक है। और उसके शुरू के टॉपिक्स दिए हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी या एक्सीलेशन है, और उसके ग्राफ्स जो हैं ये आपके सिलेबस के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। और आपको जैसे पता है कि नए पैटर्न के अंदर जब कहा गया है कि 30% जो क्वेश्चंस हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, तो हमें इन टॉपिक्स को थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ग्राफ्स में से जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े डीप क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड हो सकते हैं। तो ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है उसको हमने जो है वो डिटेल में सीखना है इंशाल्लाह। तो बेटा, पहला जो चैप्टर 3 है उसके अंदर हमने पढ़ना है कि रेस्ट और मोशन जो है वो किसको कहा जाता है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहली चीज आपके माइंड में होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि रेस्ट किसको कहा जाता है, मोशन किसको कहा जाता है। सिंपल से टर्म है, आपको पता है इसका इतने ज्यादा जो है वो डीप टर्म ये दोनों नहीं है। तो अब चैप्टर पढ़ते हैं बेटा, हम 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारे पास 3 बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने पढ़नी है बेटा, बुनियादी तौर पे ये जो होता है ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का चैप्टर होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन जिसको कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में हम इसको बेटा रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और दूसरी बात बेटा, कि जो प्री मेडिकल एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के साथ एक्स्ट्रा क्लास लेते थे, अब उनको जरूरत नहीं है, वो ना ले, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। आप सिर्फ सिलेबस से पढ़ें। अगर कोई भी ऐसी चीज अब आपके पास नहीं आएगी जो आप सिलेबस होगी, इसलिए जो मेडिकल वाले ग्रुप वाले हैं वो इंजीनियरिंग या फर्स्ट ईयर के साथ जो पीएमसी के सिवा जो टॉपिक्स हैं उनको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। आप देखें इसके अंदर पहला टर्म जो आपके माइंड में होना चाहिए वो होना चाहिए कि रेस्ट किसको कहा जाता है, ठीक है बेटा। रेस्ट का मकसद क्या होता है? देखिए बेटा, रेस्ट का मकसद होता है कि अगर कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रही तो उसको कहा जाता है कि ये बॉडी रेस्ट में है। अब एक होता है सिस्टम और एक होती है सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे बारे में कहेंगे कि मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं, तो बेटा आपको ये डिसाइड जो करना पड़ेगा वो मेरी सराउंडिंग के हिसाब से करना पड़ेगा। मैं एक सिस्टम हूं और मेरे साथ जो ये चीजें पड़ी होती हैं ये सब सराउंडिंग है। अब अगर आपको लगता है कि मैं अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा हूँ तो मैं मूव कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं अपने जो है वो सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा तो मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है। अगर मेरी सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन तब्दील नहीं हो रही, आप माशाल्लाह इस चीज से बेहतर समझते हैं, कोई इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है, तो देखिए आप कह सकते हैं कि रेस्ट का मकसद होता है कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के हिसाब से जब अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रही तो हम कहेंगे कि वो बॉडी रेस्ट में। मींस सराउंडिंग तय करती है कि हम रेस्ट में हैं या मोशन में, और वो किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अलग है रेस्ट के बारे में या मोशन के बारे में, तो ये आप कह सकते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स रेस्ट के बारे में ये कहती है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में तब कंसीडर की जाएगी जब वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रही। कोई भी बॉडी अगर अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रही तो हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स वो रेस्ट में है, ठीक है। अब इसका भी ग्राफ होता है, और इसका ग्राफ जो आप ले सकते हैं ये आप ग्राफ ले सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके अंदर इसका आप ग्राफ ले सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान अगर आप ग्राफ लेना चाहें इस तरह से,
तो इसका रेस्ट का ग्राफ ले सकते हैं। देखिए बेटा, रेस्ट का मकसद क्या है, सपोज करें, ठीक है, इसकी आप डेटा लें। बेटा डेटा लेना ग्राफ के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ग्राफ्स के बारे में आपके सिलेबस के अंदर कहा गया, इसलिए ग्राफ को सीखे बेटा। सपोज करें बेटा कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर ए खड़ा है, ठीक है, और इससे 10 मीटर डिस्टेंस पे एक बंदा बी खड़ा है। अगर ए से पूछेंगे कि बंदा बी रेस्ट में है या मोशन, सपोज करें ये रेस्ट में, अगर ये रेस्ट में है कि बंदा ए कहता है कि ये रेस्ट में, अगर ये रेस्ट में, इसका मकसद है इसकी पोजीशन तब्दील नहीं हो रही, पोजीशन तब्दील नहीं हो रही, इसका मकसद है इसका डिस्टेंस जितना है उतना ही रहेगा। अगर ये बॉडी बी, अगर ये बंदा बी रेस्ट में है, तो ए से अगर ये 10 मीटर, जैसे होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई बंदा 10 मीटर दूर खड़ा है, अगर वो रेस्ट में है तो मेरे दरमियान और उस बंदे के दरमियान डिस्टेंस 10 मीटर ही रहेगा, उससे न कम होगा न ज्यादा होगा, टाइम बढ़ता जाएगा, मैं टाइम देखता जाऊंगा, टाइम बढ़ रहा है लेकिन बंदा 10 पे, हम कहेंगे रेस्ट में। डेटा कैसे बनेगी बेटा, इसकी डेटा आप यहाँ पे बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, डिस्टेंस 10 है, टाइम 0 है बेटा, डिस्टेंस 10 है, टाइम 1 आवर हुआ बेटा, या सेकंड जो भी आप करें, डिस्टेंस वही 10 है, टाइम 2 है बेटा, डिस्टेंस उतना ही रह रहा है दोनों बंदों के दरमियान और टाइम बढ़ रहा है, ठीक है बेटा, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी किसमें, रेस्ट में। अब इसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे, मीन्स एस पे बेटा ये इस तरह से होता है 1 2 3, और ये टाइम होता है बेटा 1 2 3 4, और इस तरह से टाइम बढ़ रहा है बेटा क्योंकि टाइम इंक्रीजिंग है। तो ये हो जाएगा बेटा कि अगर हम इस तरह से देखते हैं, सपोज करें ये 5 करते हैं, ये 10 करते हैं, ये 15 करते हैं, ये 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 4, हम कोई भी पैरामीटर इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बेटा 10 है, डिस्टेंस 10 है, तो इस तरह से ग्राफ बनाएंगे कि डिस्टेंस सेम रहेगा, टाइम क्या होता रहेगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो हम कहेंगे कि वो बॉडी किसमें बेटा, रेस्ट में, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन है तो हम कहेंगे कि ये बॉडी रेस्ट में है। तो बेटा ये बात ध्यान में रखिएगा कि हर चीज का फिजिक्स के अंदर ग्राफ बनता है, जिस तरह मिथ्स के अंदर हर इक्वेशन का ग्राफ बनता है, इस तरह से फिजिक्स के अंदर हर चीज का ग्राफ बनता है, तो रेस्ट का भी ग्राफ बनता है। अगर रेस्ट का ग्राफ आप बनाए बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल होगी, ये पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होगी, और ये परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस एक्स होगी। मैं लिख लेता हूं बेटा के ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ रेस्ट इज ए स्ट्रेट लाइन, ये क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन, एंड इज पैरेलल मोशन में अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न फिजिक्स। आपको पता है मॉडर्न फिजिक्स हमने चैप्टर 17 के अंदर पढ़ा था, और मैंने इजाफी आपको बात पढ़ाई थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि किसी भी चीज के रेस्ट में होने या मोशन में होने का फैसला फ्रेम ऑफ प्रेफरेंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जमीन पे खड़े हैं, आप दो लोग जमीन पे खड़े हैं और किसी ट्री को देख रहे हैं, तो आप जमीन पे खड़े होके कहोगे ट्री रेस्ट में, लेकिन अगर कोई गाड़ी में मूव कर रहा होगा तो उसके लिए ट्री मूव कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न फिजिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस तय करेगा कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। तो डिफरेंस ध्यान में रखिएगा कि मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस तय करेगा, वो फ्रेम, वो चीज जिसके अंदर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या ऑब्जर्वर रेस्ट में। अगर हम जमीन पे हैं तो ट्री हमारे लिए रेस्ट में होगा, क्योंकि हमारे, हम भी अर्थ पे, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है, रेस्ट है,
और अगर कोई भी बॉडी, कोई गाड़ी है, कोई और चीज है, उसके अंदर मूव करते हुए जब हम जाते हैं तो हमें वही ट्री मूव करते होता है, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है? गाड़ी होता है। तो आप देख लें कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस तय करता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है या कोई भी बॉडी मोशन में है। तो ये तय कीजिएगा बेटा कि पहली बात कि रेस्ट किसको कहा जाता है, रेस्ट का ग्राफ क्या होता है, और रेस्ट या मोशन के बारे में कौन से पैरामीटर के मुताबिक आप डिसाइड करोगे कि बॉडी रेस्ट में या मोशन में। आपके पास क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से आपका पैरामीटर सराउंडिंग है, सराउंडिंग आपको बताएगी कि बॉडी रेस्ट में या मोशन में, और मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक आपका पैरामीटर जो होता है वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक हुआ बेटा? तो ये हुई आपके पास आपकी चैप्टर थर्ड की पहली बात कि रेस्ट किसको कहा जाता है। अब आ जाते हैं मोशन। मोशन तो मोशन है बेटा, ये बहुत ही एक वाइड टर्म है जिसको हमने डिस्कस करना है, और इसके बारे में लॉज ऑफ मोशन है या बहुत सारी चीजें होती है बेटा। ठीक है, अब मोशन का मकसद क्या होता है बेटा? मोशन का भी फैसला अगर हम करें कि मोशन का किसको जाता है, सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको पता है बेटा कि अगर कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है, कि आप घर में बैठे हैं अभी, अगर आपके घर के जो अफराद हैं आप देख रहे हैं कोई किधर जा रहा होता है कोई किधर, तो आपको लगता होगा कि वो अपने सराउंडिंग दीवारों के साथ या मुख्तलिफ चीजों के साथ हिसाब से वो अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी बॉडी जो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील कर रही होती है तो उसके बारे में हम कहेंगे वो मूव कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि सराउंडिंग डिसाइड करेगी कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। अगर कोई भी बॉडी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है तो हम कहेंगे वो मूव कर रही है। अगर कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रही तो हम कहेंगे वो रेस्ट में। मीन्स सराउंडिंग आपको तय करके देता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में या कोई भी बॉडी मोशन में। और इसी तरह से मॉडर्न फिजिक्स के अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको तय करके देता है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप अर्थ के ऊपर खड़े हैं और आपके सामने ट्री है, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है, वो ट्री आपके लिए रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई गाड़ी में जा रहा है तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग है, गाड़ी है, उसके अंदर वही ट्री आपको क्या महसूस होगी, वो मूव करते हुए महसूस होगी। मींस आपको कौन तय करके देगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? एक ही बॉडी ट्री अर्थ के हिसाब से रेस्ट में है और गाड़ी के हिसाब से मोशन में। तो मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि रेस्ट या मोशन का फैसला फ्रेम ऑफ रेफरेंस करेगा। क्लासिकल फिजिक्स कहती है रेस्ट और मोशन का फैसला सराउंडिंग करेगी। और मॉडर्न फिजिक्स यहाँ तक चली जाती है कि मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, के कोई रेस्ट या मोशन है ही नहीं। ठीक है, वही ट्री एक बंदे को रेस्ट में नजर आता है, वही ट्री दूसरे बंदे को मूव करते दिखाता है। तो मॉडर्न फिजिक्स की पॉइंट है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये सब चीजें आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंड करती है। किसी भी चीज के अंदर एब्सोल्यूट चीज नहीं है, इवन टाइम इज रिलेटिव। हमने पढ़ा है चैप्टर 17 के अंदर, जिसके बारे में कहा जाता है कि टाइम वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। मॉडर्न फिजिक्स कहती है आपका करेगा, अगर आपके अंदर दम है तो आपका वेट करेगा, इंतजार करेगा। लेकिन बहरहाल आप कह सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स कहती है देयर इज नो एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ रेस्ट, हर चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। वही वही चीज एक बंदे को रेस्ट में नजर आएगी, वही चीज दूसरे को मोशन में नजर आएगी। तो ये हुई हमारे पास मोशन बेटा। तो क्या कहोगे आप मोशन के बारे में कि मोशन की डेफिनेशन के मुताबिक, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के अंदर क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं इसलिए हम कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स का डिस्कस करेंगे। मैं बाकी कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर जो 30% कहा गया है कि एप्लीकेशन बेस्ड होंगी, उसके अंदर मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगी, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो बेटा क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से रेस्ट या मोशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो सराउंडिंग के हिसाब से पोजिशन तब्दील नहीं कर रही वो रेस्ट में, जो सराउंडिंग के हिसाब से पोजिशन तब्दील कर रही है
वो मोशन के अंदर है। ठीक है बेटा, तो ये हुआ मोशन के पर। अब मोशन का ग्राफ जैसे मैंने रेस्ट का, अब मोशन के अंदर वेलोसिटी भी होती है, डिस्टेंस भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, हर एक के ग्राफ अलग होंगे। तो आगे हम ग्राफ जो जो चीज आती जाएगी उसके ग्राफ हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ्स को, क्योंकि इसका कोई एक पर्टिकुलर ग्राफ नहीं होता, इसका तो रेस्ट का ग्राफ ही एक होता है, किसी के साथ बनाए आप मोस्टली डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से बनाया जाता है। तो अब मोशन है, तो मोशन के अंदर जो सबसे पहली चीज आपको पढ़नी है बेटा, वो आपको पढ़नी है डिस्टेंस के बारे में, कि डिस्टेंस किसको कहा जाता है। ठीक है, डिस्टेंस की अब यहाँ पे जो मैं डेफिनेशन लिखूंगा बेटा, तो ये डेफिनेशन मैं लिखूंगा क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स डिस्टेंस का, डिस्टेंस किसको कहा जाता है बेटा। डिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो सिटीज हैं बेटा, ये हमारे पास एक सिटी है हैदराबाद, ठीक है, ये हमारे पास बेटा एक सिटी है हैदराबाद और दूसरी सिटी है हमारे पास कराची। दोनों शहर सिंध के हर बंदे ने देखे हुए, इसलिए मैंने दोनों ये शहर लिए। अब कराची से आप मूव करके या हैदराबाद से मूव करके कराची जाते हो, तो बेटा बहुत सारे रास्ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही छोटा रास्ता है जो हमारे पास मोटरवे है, हैदराबाद से कराची। सपोज करें आप मोटरवे से गए, आप यहाँ से मोटरवे से घूमते हुए इधर चले गए कराची, ठीक है। और एक रास्ता है बेटा जो हमारे पास नेशनल हाईवे है पाकिस्तान का, जो नेशनल हाईवे ठट्टा से होकर ये कराची जाता है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास हुए दो रास्ते है बेटा, हैदराबाद से आप ठट्टा की तरफ गए और यहां से घूमते हुए आप कराची की तरफ गए। तो बेटा जब आप मूव करते हो और एक पोजीशन से आप दूसरी, बेटा ये कराची और हैदराबाद पोजीशन कहलाते हैं। कराची और हैदराबाद को हम क्या कहेंगे बेटा, कराची और हैदराबाद को पोजीशन कहेंगे। बेटा ध्यान में रखिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने समझना है, कराची और हैदराबाद को पोजीशन कहा जाएगा, इन दोनों को आप कहोगे पोजीशन, ठीक है। और ये जो होंगे बेटा ये दोनों पाथ हैं, ये रेड कलर और ग्रीन कलर जो रास्ता होता है इसको कहा जाता है पाथ, ठीक है बेटा। रास्ते को पाथ कहा जाता है और हैदराबाद या कराची को पोजीशन कहोगे। तो बेटा जब आप हैदराबाद से कराची जाओगे तो जो भी रास्ता देके जाओगे उस पूरे रास्ते की जो लंबाई होती है उसको डिस्टेंस कहा। सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि लेंथ ऑफ द पाथ, आप कहोगे लेंथ ऑफ पाथ। बेटा बहुत सारी तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है, फ्रॉम वन पोजिशन टू द अदर पोजिशन कह सकते हो, कि जब आप ट्रेवल करते हो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाते हो तो जो भी रास्ता लेके जाते हो और पूरे रास्ते की जो लंबाई होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस होता है ना बेटा, इसको आप लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, ये कॉमन डेफिनेशन है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हो तो आप जो भी रास्ता देके जाते हो उसको कहा जाता है डिस्टेंस बेटा। अब ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये दो शहरों के दरमियान फिक्स नहीं होता, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आप कौन सा रास्ता देके जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप हैदराबाद से कराची जाओ, नेशनल हाईवे से जाओ, तो लंबा रास्ता पड़ेगा, उन्हीं दो शहरों के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप हैदराबाद से कराची मोटरवे का शॉर्ट आप रूट रोल लोगे तो वही आपके लिए कम पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर से जाते हो स्कूल, कौन सी गली से आप जाते हो, किधर से आप जाते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, वही घर होता है वही स्कूल होता है, पोजीशन आपकी फिक्स है लेकिन रूट आपका तब्दील है। तो बेटा डिस्टेंस इज नॉट फिक्स्ड क्वांटिटी बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो पहली बात ये होती है बेटा कि डिस्टेंस इज नॉट फिक्स्ड क्वांटिटी, डिस्टेंस इज नॉट फिक्स्ड क्वांटिटी। दो पॉइंट्स, दो सेम पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है,
इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ पाथ टेकन, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए आप बहुत सारे शहर होते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह तक कोई भी रास्ता लेके जा सकते हैं, तो उसको कहा जाएगा डिस्टेंस, ठीक है बेटा। और एक बात याद रखिएगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और कैन नेवर बी जीरो फॉर मूविंग बॉडी, किसी भी मूविंग बॉडी के लिए जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पाथ है, भले बॉडी अपनी जगह पे आ जाए, मैं इधर से गया रुल रुल के पता नहीं दो दिनों में वापस इधर आया ना, तो आप ये नहीं कहोगे मेरा डिस्टेंस जीरो है। मेरा डिस्टेंस हुआ, मैं यहाँ से गया पता नहीं कहाँ पे गया, उसी पोजीशन पे आया, लेकिन एक मेरा पाथ तो हुआ ना, ठीक है। आप यहाँ से घर से जाए हैदराबाद, कराची, कराची से वापस आ जाए, तो डिस्टेंस जीरो नहीं होना, डिस्टेंस मूविंग बॉडी का कभी भी जीरो नहीं होना। तो आप क्या कहोगे, डिस्टेंस के नेवर बी जीरो मूविंग बॉडी का, बॉडी ने मूव किया डिस्टेंस हो गया, मूव बॉडी ने पोजीशन तब्दील की, फिर भले वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए लेकिन मूविंग बॉडी का डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब है फिर डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, जीरो रेस्ट वाली बॉडी का होगा और मूविंग बॉडी का तो पॉजिटिव रहेगा, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव बेटा, ठीक है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, जीरो हो सकता है, कैन बी जीरो फॉर बॉडी इन रेस्ट, मैं लिख देता हूं, कैन बी जीरो फॉर बॉडी इन रेस्ट, रेस्ट वाली बॉडी के लिए जीरो होगा और मूविंग बॉडी जो होती है उसके लिए ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मूविंग बॉडी। बेटा ये आपको नजर नहीं आएगा, छोटे वर्ड हो जाएंगे, लेकिन जब आपके पास पीडीएफ आएगा तो उसमें आ जाएगा, फॉर मूविंग बॉडी लिख दें, मूविंग बॉडी के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आ जाते हैं आगे बेटा, ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है बेटा, इसका यूनिट आप कर सकते हैं, ये भी आपको पता है, यूनिट इसका होता है बेटा एसआई यूनिट जो होता है वो होता है मीटर, और एफपीएस यूनिट होता है बेटा फुट, ठीक है, एसआई यूनिट मीटर होता है, ये होता है बेटा फुट, ठीक है, और सीजीएस होता है सेंटीमीटर, ठीक है, ये सब यूनिट आपने याद करने, एसआई यूनिट होता है बेटा मीटर। अब आ जाए ये डिस्टेंस जो होता है ना बेटा, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो आपकी यहाँ पे भी सेम है, आपने कराची से आप हैदराबाद गए, हैदराबाद से कराची गए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो आपकी सेम है, लेकिन अगर आप रूट लेके जाओगे मोटरवे वाला तो डिस्टेंस कम होगा, आप रूट लेके जाओगे अगर ठटा वाला तो आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा। मीन्स डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फिर किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन पाथ, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। तो आप क्या लिखोगे कि डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन ऑफ बॉडी, पोजिशन ऑफ बॉडी एंड इज एंड डिपेंड्स, ठीक है, बट डिपेंड्स अपॉन पाथ, पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। तो ये होता है कि डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंड करता है पाथ पे। तो बेटा ये हमारा पहला टर्म हुआ, डिस्टेंस किसको कहा जाता है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ बेटा,
डिस्टेंस का मतलब हुआ कि जब कोई भी बॉडी एक जगह से मूव करके दूसरी जगह तक जाती है, तो उसके बीच में बेटा जब बॉडी जाती है तो एक पॉइंट और दूसरी पॉइंट के दरमियान जो रास्ता वो बॉडी चूज करती है यारो, तो एक पॉइंट और दूसरी पॉइंट के दरमियान जो रास्ता बॉडी तय करती है उस रास्ते की लंबाई डिस्टेंस कहलाती है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट मीटर है। मूविंग बॉडी का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। रेस्ट वाली बॉडी का डिस्टेंस जीरो होगा। डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंट हो सकता है क्योंकि वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। तो बेटा डिस्टेंस जो होता है वो दो बॉडी पॉइंट्स के दरमियान जो डिपेंड करेगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा, इसलिए डिस्टेंस जो होता है वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। दो सेम पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिस्टेंस। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट बेटा। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा सेकंड जो हमारे पास चीज है के डिस्प्लेसमेंट किसको कहा जाता है बेटा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किसको कहा जाता है बेटा, के डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट को बहुत सारी तरह से डिफाइन किया जाता है और आपने अपने अपने तरीके से पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मकसद होता है पोजीशन की तब्दीली। ठीक है, जब हम मूव करते हैं ना तो हमारी पोजीशन के अंदर जो तब्दीली होती है ना उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अगर हमारी पोजीशन के अंदर तब डिस्प्लेसमेंट तय किया है और अगर हमारी पोजीशन के अंदर तब्दीली नहीं आती तो हम कहेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर हम इसको समझते हैं। ठीक है, थोड़ा बेटा क्योंकि कॉन्सेप्ट ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान फर्क करना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या फर्क है बेटा, तो कोशिश करते हैं कि इसको समझें। ठीक है, आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट किसको कहा जाता है बेटा, तो आप कहेंगे चेंज इन पोजिशन ऑफ बॉडी, चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ बॉडी, चेंज इन पोजिशन ऑफ बॉडी इन पर्टिक्युलर डायरेक्शन। अब इसमें डायरेक्शन का क्या रोल होता है ये भी बताता हूं। पर्टिक्युलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहा जाएगा बेटा, इसको कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट के पोजिशन की तब्दीली। सपोज करें बेटा, अब एक मैं एग्जांपल देता हूं कि सपोज करें हमारे पास बेटा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, अब चार बंदे मैं लेता हूं, एक ग्रीन बंदा है ए, एक येलो बंदा है, ठीक है, और एक हमारे पास ये बंदा है कलर पता नहीं क्या कहते हैं इसको, और एक बंदा जो है वो मैं रेड बंदा बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से पिंक कलर है और रेड कलर है। ठीक है, अब चार बंदे हैं ये इस पोजीशन पे खड़े हैं बेटा, इस पे ये ओरिजिन है। ठीक है, अब ये चारों बंदे मूव करते हैं। ठीक है, इसको आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं ये जो हमारी साइड होगी बेटा, ठीक है, इसको कहा जाता है ईस्ट। ठीक है, इसको हम कहेंगे वेस्ट, इसको हम कहेंगे नॉर्थ बेटा, इसको हम कहेंगे नॉर्थ और इसको कहेंगे साउथ। ये रूल्स आपको पता है बेटा। ठीक है, अब क्या करता है ये जो है वो आप कहेंगे कि ये जो पिंक कलर का बंदा है ये इधर से घूमता हुआ ये आके इस पोजीशन पे पहुंचा,
ये पोजीशन ओरिजिन है बेटा, ओरिजिन से ये पोजीशन ए पे पहुंचा, ठीक है। अब अगर हम करते हैं ये रेड बंदे के बारे में, ये रेड बंदा इधर से जाता है, इधर से घूम के ये पोजीशन बी पे आके पहुंचा, ठीक है। और ये जो ग्रीन बंदा है ये इधर से गया, इधर से घूम फिर के वापस अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। और जो येलो बंदा है, ये येलो बंदा इधर से गया, इधर से घूम के ये येलो बंदा यहाँ पे पोजीशन सी पे आ गया, ठीक है। चार बंदे थे, उन्होंने एक ही पॉइंट से मूव करना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ पोजीशंस पे चले गए। तो आप कहोगे कि चारों ने डिस्टेंस तय किया, क्योंकि चारों पॉइंट अपनी अपनी जो है वो, जैसे ये जो बंदा है पोजीशन ए पे आया, जाहिर है कोई रास्ता लेके आया होगा, इसका डिस्टेंस होगा। और ये रेड कलर का बंदा इस पोजीशन बी पे आया, उसका कोई डिस्टेंस होगा। येलो वाला अपनी पोजीशन तब्दील की, इसका भी डिस्टेंस होगा। और इसने ग्रीन ने, ये इसने भी मूव किया, रास्ता लिया, इसका भी डिस्टेंस, डिस्टेंस चारों का होगा, ठीक है। डिस्टेंस किसी का भी जीरो नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो इस मोशन के नतीजे में ये जो पिंक वाला है, ये जो इसका जो होता है, ये पोजीशन किस तरफ तब्दील हो गई, ईस्ट वाले की तरफ पोजीशन तब्दील हो गई। रेड कलर वाले की पोजीशन इनिशियल से कहां पे हो गई, वेस्ट की तरफ हो गई। और ग्रीन बंदे की पोजीशन तब्दीली नहीं हुई, और येलो बंदे की पोजीशन जो है वो किस तरफ चेंज हो गई, साउथ की तरफ। तो ये जो पोजीशन की तब्दीली होती है ना बेटा, ये पोजीशन की तब्दीली डिस्प्लेसमेंट कहती है। आप कहोगे कि ए की पोजीशन तब्दील हो गई, बी की पोजीशन तब्दील हो गई, सी की पोजीशन जो है वो इसकी बेटा, ये जो हमारे पास है सी की पोजीशन तब्दील हो गई, इस डी की पोजीशन तब्दील नहीं हुई, आप इनके नेम भी भले दे दे। तो बेटा जब कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करती है तो उसके पोजीशन के अंदर जो तब्दीली आती है, उस पोजीशन की तब्दीली को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब अगर आप कहोगे कि सपोज करें कि इस बंदे की पोजीशन कितनी तब्दील हुई है, सपोज करें इस बंदे की पोजीशन 10 मीटर तब्दील हुई है, सपोज करें रेड बंदे की पोजीशन जो है, रेड बंदे की पोजीशन भी 10 मीटर तब्दील हुई है, और आप कहें कि ये जो येलो बंदा है इसकी पोजीशन के अंदर तब्दीली 5 मीटर की है, और इस ग्रीन बंदे के अंदर पोजीशन की तब्दीली जीरो है, इसके अंदर पोजीशन की तब्दीली जीरो है। तो अगर आप कहोगे कि बंदे ए की पोजीशन 10 मीटर तब्दील हुई, बंदे बी की पोजीशन भी 10 मीटर तब्दील हुई, तो आपकी बात कंप्लीट तो नहीं हुई ना। बंदे ए की पोजीशन तब्दील हुई 10 मीटर, बंदे बी की पोजीशन तब्दील हुई 10 मीटर, लेकिन बात तो एक नहीं है ना, बंदा ए और बी एक जगह पे तो नहीं है ना, पोजीशन दोनों की इक्वली चेंज हुई, पोजीशन बिल्कुल दोनों की इक्वली चेंज हुई, लेकिन क्या हुआ, हुआ ये कि दोनों के अंदर सिमिलरिटी नहीं है। इसका मकसद है डायरेक्शन रोल प्ले करता है। आप कहोगे कि ए बंदे की पोजीशन तब्दील हुई लेकिन ईस्ट में 10 मीटर तब्दील हुई, और बंदे बी की पोजीशन तब्दील हुई लेकिन वेस्ट में 10 मीटर हुई, तो पोजीशन की तब्दीली के अंदर आपको डायरेक्शन बताना जरूरी होता है, अदरवाइज आपकी बात गलत हो सकती है। यहाँ पे देखें, अगर आप खाली कहें बंदे ए का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, बंदे बी का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, तो इक्वल तो नहीं है ना। बंदे ए का डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो टुवर्ड्स ईस्ट है, बंदे बी का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, टुवर्ड्स वेस्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट का मकसद ये समझिएगा कि जब कोई भी बॉडी एक जगह से मूव करके दूसरी जगह तक जाती है तो उसकी पोजीशन के अंदर जो तब्दीली होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अगर पोजीशन तब्दील नहीं होती तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो कहा जाएगा, ठीक है। ये नहीं कहा जाएगा डिस्टेंस जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है। आप ग्रीन बंदे के लिए कहोगे कि उसकी पोजीशन तब्दील नहीं हुई, पोजीशन तब्दील नहीं हुई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। पोजीशन की तब्दीली डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, पोजीशन की तब्दीली डिस्टेंस नहीं कहलाती। कि आप ये कहें कि डिस्टेंस जो होता है वो भी जीरो है ग्रीन बंदे का, नहीं, डिस्टेंस नहीं, क्योंकि वो पाथ इसने लिया है, इसका पाथ है लेकिन
पोजीशन तब्दील नहीं हुई। तो बेटा पोजीशन की जब तब्दीली आती है, जब कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, तो उसके अंदर जो पोजीशन की तब्दीली आती है, पोजीशन की तब्दीली को क्या कहा जाता है? पोजीशन की तब्दीली को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। और ये इसके अंदर डायरेक्शन बताना जरूरी होता है। अगर आप डायरेक्शन नहीं बताओगे तो आप उसको सही तौर पे स्पेसिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये जो पोजीशन की तब्दीली होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो पहली बात क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में? पहली बात ये लिखोगे कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन देना इसके लिए जरूरी होता है। जब ये वेक्टर है तो मे बी पॉजिटिव, ठीक है, मे बी पॉजिटिव, ठीक है। और ये पॉजिटिव किस तरफ होता है? राइट साइड पे, राइट या अपवर्ड साइड, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी इनिशियल पोजीशन से टुवर्ड्स राइट मूव करेगी या टुवर्ड्स अपवर्ड मूव करेगी तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, मे बी नेगेटिव, ठीक है। और ये किस तरफ है? लेफ्ट और डाउनवर्ड, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? ये होता है निगेटिव, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी नीचे ट्रेवल करती है, ये सी का डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, रेड का डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और डी का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डी का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। मैं लिख देता हूं बेटा, अगर कंफ्यूजन हो आपको, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं तो आप माइंड में रखिएगा बेटा, ठीक है। तो ये होता है बेटा जो है वो दूसरी पॉइंट इसकी। तीसरी पॉइंट क्या होती है बेटा? तीसरी पॉइंट ये होती है कि जिस तरह से मैंने आपको कहा ना कि डिस्टेंस ऑफ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। कैसे? यहाँ पे देखें, ग्रीन बॉडी मूविंग तो है, मूव किया है, लेकिन उसका डिस्प्ले पोजीशन के अंदर तब्दीली नहीं आई, पोजीशन तब्दीली नहीं, बात खत्म, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये होता है कि जरूरी नहीं है कि जब डिस्प्लेसमेंट हो, सॉरी, जब डिस्टेंस हो तो डिस्प्लेसमेंट भी हो, लेकिन ये जरूरी है कि जब डिस्प्लेसमेंट हो तो डिस्टेंस हो। ये जरूरी नहीं है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट हो। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस तो है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो ये जरूरी नहीं है कि बॉडी ने डिस्टेंस तय किया तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ये भी तय किया, पोजिशन के अंदर तब्दीली नहीं आई तो डिस्टेंस जीरो, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि इफ डिस्टेंस, सॉरी, इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्टेंस मे बी मे नॉट बी जीरो, मे बी मे नॉट बी जीरो, बट इफ डिस्टेंस इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। क्यों बेटा? इसलिए कि अगर डिस्टेंस जीरो है तो बॉडी ने मूव ही नहीं किया, मूव ही नहीं किया तो पोजीशन तब्दील कैसे होगी? तो बेटा जान में रखिएगा कि डिस्टेंस है तो जरूरी नहीं डिस्प्लेसमेंट भी हो, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो जरूरी है कि डिस्टेंस हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है मीन्स पोजिशन तब्दील हुई, पोजिशन तब्दील किसी रास्ते से तो हुई होगी ना, ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि वो सेम रास्ते से क्या हो।
तो अगर डिस्टेंस जीरो है तो बॉडी ने मूव ही नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हो सकता है बॉडी ने मूव नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो डिस्टेंस भी जीरो। और अगर हो सकता है मूव करके बॉडी वापस अपनी जगह पे आ गई हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा बेटा जो है वो तीसरी पॉइंट होगी। चौथी पॉइंट के क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे या इनके दरमियान क्या रिलेशन होता है? देखिए बेटा, अब अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है बेटा। आप देख सकते हैं कि इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं 10 मीटर है, लेकिन अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस इससे जीरो है, 15 मीटर है बेटा। यहां पे आप देख लें कि ये हमारे पास येलो बॉडी है, येलो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, ठीक है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है, 10 मीटर है, क्योंकि ये पाथ कर्व्ड पाथ है तो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है। अगर हम देखते हैं रेड बॉडी को तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, लेकिन अगर डिस्टेंस देखते हैं तो सपोज करें डिस्टेंस 20 मीटर है। तो बेटा डिस्टेंस एक अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट एक अलग चीज है। एक और बॉडी में बनाता हूं, सपोज करें एक जो है वो किस कलर की, ब्लैक कलर की मैं बॉडी बनाता हूं। सपोज करें एक ब्लैक कलर की बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ये बॉडी कर ले आप ई, ठीक है, ये बॉडी ई है, इसका देख ले, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। अगर सपोज करें इसका डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर तो इसका डिस्टेंस भी 20 मीटर है, ठीक है। तो देखिए कोई भी बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। कोई भी बॉडी कर्व्ड मोशन में मूव करती है तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है, डिस्टेंस बड़ा होता है। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो डिस्टेंस छोटा हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस के सिवा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। कर्व्ड मोशन है तो छोटा होगा, स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन है तो इक्वल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट है, किसकी रिजल्ट है, डिस्टेंस की है, तो डिस्टेंस की वजह से आने वाली रिजल्ट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। कोई भी बंदा कितना भी बड़ा हो जाए उस्ताद से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। उस्ताद के पास कोई ऐसी उस्तादी होगी जो शागिर्द के पास नहीं होगी, तो भले बड़े बन जाए इतने बड़े नहीं हो सकते। तो यही होता है बेटा, डिस्टेंस उस्ताद होता है, डिस्प्लेसमेंट शागिर्द होता है। शागिर्द कितना भी बड़ा हो जाए बराबरी कर सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये होता है बेटा इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपस में रिलेशन। तो आप क्या कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, बेटा ये मैग्नीट्यूड सेंस में लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्शन बैठ के कहो सर आपने इक्वल टू, मैं मैग्नीट्यूड सेंस में कह रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, किस मोशन में, जो लीनियर मोशन है बेटा, स्ट्रेट लाइन में, लीनियर मोशन के अंदर ये होता है। डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस, किसमें, कर्व्ड मोशन के अंदर, कर्व्ड मोशन के अंदर ये लेस देन होता है। तो आप कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक बेटा। ये हो गया अपनी एक और पॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने ये भी डिस्कस कर दिया कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा, लेकिन कभी उसे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये रिलेशन है किसके दरमियान है, डिस्टेंस
और डिस्प्लेस। अब डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान हमेशा सेम रहेगा, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिफरेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है दो पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, पोजीशन की तब्दीली होती है कैसे बेटा? मैं पहले पॉइंट लिखता हूं फिर समझाता हूं। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स इज फिक्स्ड बेटा। दो पॉइंट्स के दरमियान क्या होता है? फिक्स्ड होता है, डिस्टेंस नहीं होता बेटा। एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ पाथ। ठीक है, आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड। पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कैसे नहीं करता देखते हैं इसको। देखें बेटा, वही ओरिजिन बना है। ठीक है, देखिए बेटा ओरिजिन है, ये इस तरह से होता है। हमारे पास ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है। ठीक है, दो बंदे में बनाता हूं, एक मैं येलो बंदा बनाता हूं, दूसरा ग्रीन, सॉरी ग्रीन और येलो बनाता हूं, ये हुए। ठीक है, अब ये देखें इनिशियल पोजीशन सेम। अब क्या कहोगे कि दोनों की इनिशियल पोजीशन सेम, इनिशियल पोजीशन सेम बेटा, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट लेते हैं। अब क्या करता है ग्रीन बंदा, ये रास्ता लेके जो है वो पोजीशन बी पे पहुंचता है। आप इसको कर लें बेटा, पोजीशन ए पोजीशन बी, ग्रीन बंदा ये रास्ता लेके आता है और येलो बंदा ये रास्ता लेके आता है, इधर से, इधर से जा रहा है। येलो बंदा छोटा रास्ता लेके आया और ग्रीन बंदा बड़ा रास्ता लेके आया। येलो का डिस्टेंस सपोज करें 100 किलोमीटर है और ग्रीन का डिस्टेंस आप समझें, ग्रीन का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। लेकिन दोनों की वजह से पोजीशन क्या तब्दील हुई? देखें बेटा ध्यान में रखिएगा, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि बंधु ने तो 100 200 तय किए। बेटा ये रिजल्ट है। ठीक है, ये आप फॉर एग्जाम्पल आप मेहनत करते हो पढ़ते हो तो आप सक्सेस तो नहीं पढ़ते ना, सक्सेस उसकी रिजल्ट है, मेहनत की और आपकी लगन की और आपकी एक समझे के जो आपके अंदर एक विल होती है कि हमें ये करना है, तो आप वो काम करते हो, आप पढ़ते हो मेहनत करते हो, लेकिन सक्सेस उसकी रिजल्ट है। आप सक्सेस नहीं पढ़ते, आप पढ़ते क्या हो, पढ़ते एक अलग चीज हो, मेहनत करते हो वो अलग चीज होती है, सक्सेस उसकी रिजल्ट है। आप तय डिस्प्लेसमेंट नहीं करते, आप तय डिस्टेंस करते हो, डिस्प्लेसमेंट उसका नतीजा है जो आपको मिल जाता है। डिस्टेंस एक रिवॉर्ड है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट एक रिवॉर्ड है जो किसके तय करने के बाद आपको मिलता है, डिस्टेंस तय करने के बाद। मेहनत करने के बाद सक्सेस नहीं मिलेगी, मेहनत डिस्टेंस है, सक्सेस डिस्प्लेसमेंट है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, और हो भी सकता है कि मेहनत के बाद आपको वो सक्सेस ना मिले, जैसे अगर आप पोजीशन पे वापस आ गए, मेहनत तो आपने की, डिस्टेंस तो आपका है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं फेल्योर, फेल्योर नहीं है वो भी, लेकिन वो एक अदर वे के अंदर सक्सेस होती, जिस डायरेक्शन में आप सक्सेस लेना चाहते हो वो उसे अलग वे में सक्सेस। फेल्योर नहीं होती, मेहनत के बाद फेल्योर नहीं होती, ये अल्लाह ताला का कानून है, मेहनत के बाद फेल्योर नहीं होती। वो आप जिस डायरेक्शन में सक्सेस लेना चाहते हैं, हो सकता है नेचर आपसे कोई और काम लेना चाहती है, वो आपको एक और सक्सेस दे देगी। ठीक है, तो
डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो रिजल्ट होता है डिस्टेंस की। तो ये आप ये कहेंगे कि आप तो एक डिस्प्लेसमेंट नहीं करते, डिस्प्लेसमेंट आपको डिस्टेंस के नतीजे में मिल जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास डिस्टेंस है, लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट देख ले बेटा, दोनों की पोजीशन की तब्दीली इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये हुई। ये हुआ सपोज करें दोनों का डिस्प्लेसमेंट 50 किलोमीटर हुआ, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट दोनों बंदों का सेम है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फिक्स पॉइंट है, किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल और फाइनल दोनों की सेम है, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम, लेकिन डिस्टेंस है डिफरेंट। मीन्स डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन पे, जबकि डिस्टेंस जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करते हैं, डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो ये रिलेशन है बेटा किसके दरमियान, बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक जो है चैप्टर थर्ड का कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने चार चीजें डिस्कस की के रेस्ट किसको कहा जाता है, मोशन किसको कहा जाता है, डिस्टेंस किसको कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट किसको कहा जाता है, ठीक है। इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, कि स्पीड किसको कहा जाता है, वेलोसिटी किसको कहा जाता है। बेटा फर्स्ट ईयर वालों के जो एक दो टॉपिक रिमेनिंग है चैप्टर 8 के, उनका शाम को आपको टाइम दूंगा, उसके ऊपर आपने ज्वाइन करना है। और इंटर वालों का 5 बजे जो है वो आपका डायोड में पढ़ाऊंगा, आप सब ने एक दिन के लिए ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं एक दिन के अंदर डायोड करूंगा, कनेक्टेड है और आपके पीएमसी के टॉपिक के अंदर है। मेहरबानी करके एक दिन कर लीजिएगा अटेंड, उसके बाद आपकी मर्जी है, शाम वाले क्लास बाद में रिवीजन में होंगे, रिवीजन आप करें न करें आपकी चॉइस पे, आज एक एक मेहरबानी आज कर दीजिएगा एंट्री टेस्ट वाले, 5 बजे ये क्लास ले लीजिएगा, उसके बाद आप जाने आपका काम जाने, ठीक है। बाकी हाफ एंट्री वाले और इंजीनियरिंग वाले रोज शाम को ज्वाइन करेंगे, इंजीनियरिंग वालों को मैं और हाफ एंट्री को वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो पीएमसी के सिलेबस के अंदर नहीं है। आपके लिए हाफ एंट्री और इंजीनियरिंग के लिए शाम का क्लास अटेंड करना जरूरी है, बाकी एंट्री टेस्ट वालों के लिए, और नहीं कीजिएगा एंट्री टेस्ट वाले बगैर जो टॉपिक्स इजाफी उनका नहीं कीजिएगा, आप अपने काम पे फोकस करें, ठीक है। इजाफी टॉपिक्स की अब जरूरत नहीं, क्योंकि एक क्लियर गाइडलाइन आपको मिल गई ना, तो उसको फॉलो करें, अब आपको जरूरत नहीं है, एहतियात के तौर पे पढ़ लेते हैं, अगर आ जाए नहीं आएगा नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो ऐसे अब आप एंट्री टेस्ट वाले इजाफी टॉपिक्स अटेंड नहीं करोगे, ठीक है। बाकी आज कर लीजिएगा डायोड के बारे में, इसके बाद आपकी क्लास होगी लॉजिकल रीजनिंग की।